हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, उस देश के बारे में कहा जाता है कि ये धरती पर स्वर्ग है। जी हाँ, इतनी इज्जत दी गई है इस कंट्री को कि एक बार तो इसके नाम के आगे ही द लगा दिया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों को अपने देश के नाम के आगे द लगाना अच्छा नहीं लगा। वेल फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उस देश के लोगों को खाने और पीने दोनों का बहुत शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझिए कि ये आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। साथ ही दोस्तों, यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती तो वैसे ही पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं यूरोप के खूबसूरत देश यानी कि यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा देश है। आपको बता दें, इस देश का कुल एरिया 603,628 स्क्वायर किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों, इस देश का बॉर्डर रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया और मोल्दोवा देशों को टच करता है। वहीं इसके साउथ में है ब्लैक सी। दोस्तों, बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश की कुल आबादी है 4,70,00,000 और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है। वहीं डेंसिटी की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 75 लोग ही देखेंगे। इस देश में भी 70% लोग शहरों में रहते हैं, वहीं 30% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। यूक्रेन देश की औसतन उम्र है 41 साल। बिल दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में ही यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बन गया था। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे देशों में अनाज एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं कि यहाँ पर खेती को बड़े काम के तौर पे देखा जाता है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग आज अनाज एक्सपोर्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। हमारे देश में किसान परेशान रहते हैं, लेकिन यूक्रेन में किसान होना यानी कि गर्व की बात। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव को हीरो सिटी भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई हुई थी, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि बाद में उन्हें हार मिले, लेकिन दोस्तों, यहां के सैनिकों की इसी निडरता की वजह से इस शहर को 1965 में हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का एक हिस्सा ब्लैक सी से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये लोकल लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ के लोग इस समुद्री तट पे जाके खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। कहते हैं कि यहाँ पर वीकेंड के समय बहुत भीड़ रहती है, सब मस्ती करने के लिए आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि न सिर्फ यूक्रेन रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि ये रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश भी है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े लेवल पे सैन्य ताकत बढ़ाई है। इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही देश के प्रति वफादारी और सेना में जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन देश के नाम ही है। आपको बता दूं कि एंटोनोव AN-225 मरिया नामक प्लेन को बनाया गया है यहाँ पे, जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और इसका वजन है 6,40,000 किलोग्राम। वैसे यहाँ के लोगों को बहुत क्रिएटिव भी माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली, लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि उससे पहले इस देश को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने देश के नाम से द हटवा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि हमारे देश के आगे द वर्ड को लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस देश का नाम 1991 में चेंज हुआ और अब ये यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, द यूक्रेन सुनने में अच्छा लगता है या यूक्रेन? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल दोस्तों, यूक्रेन देश के लोगों के बीच में अल्कोहल बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। भाई दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में वोडका पीना तो पॉपुलर है ही, साथ ही यहाँ का नेशनल ड्रिंक है होरल का, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर छुट्टी के दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम होता है धूप में बैठे रहना और ढेर सारा अल्कोहल कंज्यूम करना। यहाँ पर वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि पीने का तरीका काफी अलग है। यहाँ आराम आराम से अल्कोहल पी जाती है, ताकि ये शरीर को ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। क्या बात है, पीना भी है और शरीर का ख्याल भी रखना है। दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही साफ सुथरा देश है। आपको बता दूं कि इस देश के अंदर ही आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिल जाती हैं, जिसमें से एक है 11वीं सदी में बनाई गई यहाँ की राजधानी कीव। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन आप बस अभी फिलहाल ये समझिए, ये देश बहुत ऐतिहासिक है। साथ ही ये देश बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। जो यहाँ एक बार घूमने आता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता। दोस्तों, अगर आपको मैकडॉनल्ड्स पसंद है तो आपको यूक्रेन जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पे, हर एक बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक पे मैकडॉनल्ड्स दिख जाएगा।
कहा जाता है कि वीकेंड में यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर पे खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना जो मिलता है मैकडॉनल्ड्स में खाने का। कहते हैं कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट आपको कभी खाली नहीं मिलता। साथ ही सैटरडे और संडे को तो वहाँ पे खचाखच भीड़ रहती है। सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, क्या बात है। दोस्तों, यूक्रेन देश को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन का एक शहर है रखीव, जहाँ से कहा जाता है कि यूरोप की लगभग हर जगह आपको सेम डिस्टेंस पे दिखाई देती है। रखीव बिल्कुल यूरोप के सेंटर में है। यहाँ पर भी हर समय सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन किस देश में है? दोस्तों, ये यूक्रेन में है। आपको बता दूं कि स्टेशन का नाम है अर्सेनालना, जो कि जमीन के 105.5 मीटर की गहराई पे बनाया गया है। वाकई में दोस्तों, कई बार तो डर भी लग जाता होगा। दोस्तों, इस देश की राजधानी कीव का मेन स्ट्रीट, जिसे क्रश्क्यातिक स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। हालांकि इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखकर कोई भी चौंक जाए। यहाँ खड़े होंगे तो आपको बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन के लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और साथ ही साथ बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी घूमने के लिए जाता है उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पे ले लेते हैं। तभी दोस्तों, यूक्रेन के लोगों के साथ मजाक भी सोच समझ के ही करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि मजाक में आपने कुछ कहा और वो दिल पे आपकी बात को ले गए। दोस्तों, क्या आपको याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी है क्या? अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। 4 से 11 फरवरी के बीच 1945 में सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें कि चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट आपस में मिले थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी होगी दुनिया और खासतौर पर यूरोप, इस पे चर्चा की थी। दोस्तों, ये मीटिंग इसी देश में हुई थी और इसे कंडक्ट करने के पीछे यूक्रेन का बड़ा हाथ था। दोस्तों, चिकन कीव यूक्रेन में बहुत पॉपुलर है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश कभी कीव में बना ही नहीं, हालांकि इसका नाम जरूर पड़ गया चिकन कीव। दरअसल ये ओरिजिनली एक फ्रेंच डिश है, जिसे यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन चलिए, इस डिश के नाम के साथ साथ कम से कम लोग इस देश की राजधानी को तो बार बार याद करते ही है कि नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब इस देश को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। आज भी ब्रेड के मामले में ये देश यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ की हर स्ट्रीट पे तरह तरह के ब्रेड्स दिख जाएंगे बिकते हुए। यहाँ के लोगों को भी ब्रेड खाना बहुत पसंद है। दोस्तों, यहाँ पर ब्रेड के साथ चीज भी बहुत खाते हैं। लोगों के बीच में चीज की तरह तरह की डिश बहुत पॉपुलर है। अभी तो अगर आपको मोटा होना है तो यूक्रेन का खाना एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986, एक ऐसा दिन जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। आपको पता होगा, उस दिन यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आज भी यहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता। दोस्तों, रेडिएशन आज भी यहाँ बहुत हाई है। हालांकि 2010 से ही चेर्नोबिल और प्रिपयात दोनों जगहों पर टूरिस्ट के लिए जाना अलाउ कर दिया गया है, लेकिन रिस्क फैक्टर आज भी बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पड़े किसी सामान को बिना सोचे समझे हाथ भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, चेर्नोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है। इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल के आसपास कोई नहीं रहता। शायद यही वजह है कि कुछ जगहें आज ऐसी हैं जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पिछले 34 सालों में न तो कोई आया और न ही कोई रहा। लोकल लोगों के माने तो इस जगह से रात में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोस्तों, अब आप इस तस्वीर को देखिए, इसे कहते हैं टनल ऑफ लव। जी हाँ दोस्तों, ये यूक्रेन का ही नजारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे रेलवे लाइन है, तो वहीं ऊपर से पेड़ों की गुफाएं हैं। क्या आपने कभी इतना सुंदर नजारा देखा था? दोस्तों, यहाँ पर जो भी घूमने के लिए आता है वो जरूर इस खूबसूरत सी जगह यानी कि टनल ऑफ लव को देखने जरूर जाता। नेचर ने इसे अपनी गोद में ले लिया है। आपको बता दूं कि कई लोगों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह भी है। यहाँ पर अक्सर यंगस्टर्स एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ का प्यार बहुत सच्चा होता है। अगर आप भी कभी जाओ यूक्रेन अपने पार्टनर के साथ, तो इस जगह की सैर किए बिना बिल्कुल मत लौटिएगा। बिल मैकडॉनल्ड्स तो इस देश में है ही पॉपुलर, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस देश को कैपिटल ऑफ कैफेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पे एक कैफे मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफेज अगर किसी शहर में है तो वो कीव में है। अरे दोस्तों, यहाँ के कैफेज में सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक है आइस ड्रिंक। गर्मी के मौसम में लोगों के बीच में बियर के साथ साथ आइस टी भी खूब लोकप्रिय है। तभी तो यहाँ सबके हाथों में आपको एक ग्लास दिख जाएगा, क्योंकि सब कुछ न कुछ पीते ही रहते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपको बता दें कि ये देश जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में कभी किसी के लिए गलत सोच नहीं होती है। दिल सोने का कहा जाता है यूक्रेन के लोगों का। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती भी पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही साथ यहाँ की लड़कियाँ होती बहुत फ्रैंक हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ आपको किसी से भी दोस्ती करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यूक्रेन में आपको सबसे फ्रेंडली लोग मिलते हैं पूरे यूरोप में। कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ प्यार में बहुत लॉयल होती हैं, और जिससे एक बार प्यार किया उसी के साथ पूरी जिंदगी रहती हैं।
ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं दोस्तों? एक लाइक तो यूक्रेन वासियों के लिए बनता ही है। तो दोस्तों ये था यूक्रेन, कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या कभी आपने इस देश की यात्रा की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।